हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास रिजल्ट 2019, जिसका आप लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो 12th का रिजल्ट है उसे जारी हुए अब लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, वहाँ से एक न्यूज़ जारी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो 31 मई को जारी होने वाला है। अगर 31 मई को रिज़ल्ट नहीं आता है तो रिज़ल्ट आपका कब आएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आप किस वेबसाइट से अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब भी रिज़ल्ट आपका प्रोवाइड कराया जाए तो सबसे पहले आप रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकें, रिज़ल्ट चेक कर सकें। ताकि जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारा क्रश होता है वेबसाइट पर, तो उस समय आप इस क्रश से बच सकें और जल्द से जल्द अपना रिज़ल्ट चेक कर सकें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नव भारत टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर देखिए, RBSE 10th रिज़ल्ट 2019, शुक्रवार तक 10वीं कक्षा का परिणाम संभव, पढ़ें पूरी डिटेल्स। तो चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर बताया गया है बेसिकली ये कि आपको जो रिज़ल्ट है वो शुक्रवार को यानी कि 31 मई 2019 को आने वाला है। RBSE 10th रिजल्ट 2019 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान इस हफ्ते के अंत तक 10वीं कक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। राजस्थान बोर्ड के अधिकारी ने NavBharatTimes.com को बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट शुक्रवार तक जारी किया जा सकता है। तो जो बोर्ड के एक अधिकारी हैं उन्होंने बताया है NavBharatTimes.com को कि 10वीं क्लास का जो रिज़ल्ट है वो शुक्रवार को यानी कि 31 तारीख को जारी किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को कंफर्म तारीख नहीं बताया, मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो 1 या 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। मतलब अगर आपका रिज़ल्ट 31 मई को नहीं आएगा तो 1 या 2 जून को आपका रिज़ल्ट पक्का आने वाला है। पहले बताया जा रहा था कि आपको जो रिज़ल्ट है वो 6 जून को आएगा, लेकिन उससे पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, इस बात की यहाँ पर पूरी संभावना है। क्योंकि जो राजस्थान बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने यह बता दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 1-2 दिन में जारी होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 12वीं का रिज़ल्ट आया था उसके नतीजे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 मई को कॉमर्स के रिज़ल्ट की और साइंस के रिज़ल्ट की जो है वो घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद जो आर्ट्स वाले थे उनका 22 मई को रिज़ल्ट आ चुका था, और अब छात्रों को 10वीं और 8वीं कक्षा के नतीजों का इंतजार है। तो अब आपको बता देते हैं कि आप लोग अपना रिजल्ट किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए rajedu.board.rajasthan.government.in पर लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट और है rajresults.nic.in। इसके अलावा एक वेबसाइट और भी है जो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, indiaresults.com। तो उस पर भी आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, और जैसे ही रिजल्ट आता आपको तुरंत हम वीडियो बनाकर बता देंगे कि रिजल्ट को किस प्रकार से चेक करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि जब भी रिजल्ट आए आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए।